आज बात करने वाले हैं उद्यम एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा काफी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें एक योजना चलाई जाती है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। इसमें क्या होता है, एक दर्जी हैं या फिर आप एक राजमिस्त्री हैं या फिर आप एक सोनार हैं या फिर बढ़ई हैं या फिर हलवाई हैं, तो देखिए जो लोग होते हैं इसमें आवेदन करते हैं तो उन्हें टूल किट प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे मान लो अगर आप दर्जी हैं तो देखिए यहाँ पे अगर आप आवेदन करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको सिलाई की मशीन दी जाती है, जिसमें 7 दिन की आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और आपको पूरी टूल किट भी दी जाती है। तो इसके लिए कैसे आवेदन करना है, क्या इसका प्रोसेस है, इसके लिए यहाँ पे आ जाना। इस वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। जैसे यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पर नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, तो इसी पर टिक कर देना है। अगर आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, अगर देखिए आप इस योजना का पहले लाभ लेते हुए तो नहीं आपको करना है, क्योंकि इसका लाभ दोबारा से नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको योजना सेलेक्ट कर लेनी है। देखिए इतनी अभी योजना चलाई जा रही है, यहाँ पर पहली योजना मिलेगी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना नाम फिल, यहाँ पर देखिए आपको नाम डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ आधार बेस यहाँ डाल देना। देखिए जो भी डेटा भरेगा आधार बेस ही भरना है। आगे चल के जब आप फाइनल सबमिट करेंगे आपका डेटा आधार से वेरीफाई किया जाएगा, जब वेरीफाई नहीं होगा तो आपका फाइनल सबमिट नहीं हो पाएगा, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। फादर्स नेम फिल कर देना, मोबाइल नंबर यहाँ डाल देना, ईमेल आईडी ऑप्शनल देना चाहते दे सकते हैं, नहीं छोड़ देना। स्टेट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिला यहाँ से अपना सेलेक्ट करना, ये वाला कैप्चा है फिल कर देना और यहाँ पे सबमिट आपको कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड है वो देखिए जनरेट कर दिया है, आपको इसे नोट कर लेना है। आपने जो मोबाइल नंबर दिया उस पर भी आपका SMS के थ्रू भेज दिया जाएगा, तो इसे नोट कर लेना, बाई चांस SMS पर नहीं आ जाता तो यहाँ पे नोट करने के बाद ओके कर देना है। पता आईडी आई है वो डाल देना, पासवर्ड क्या आया था वो डाल देना, ये कैप्चा यहाँ डाल के लॉगिन कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले पासवर्ड बदलने का ऑप्शन मिलेगा, जो अभी आपके मोबाइल पे आया है वो पासवर्ड यहाँ पे डाल देना, यानी पुराना पासवर्ड, और नया आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं वो यहाँ डाल देना और सेम पुष्टि यहाँ पे करके और सबमिट कर देना है। तो देखिए आपका पासवर्ड है चेंज हो गया, शादीशुदा लेडीज हैं, तो देखिए यहाँ पे आप जैसे विवाहित करेंगे यहाँ पे आपके हस्बैंड नाम का एक कॉलम खुल के आ जाएगा, वहाँ पे आपने हस्बैंड का नाम फिल कर देना है। आपकी जात क्या क्या कैटेगरी वो यहाँ डाल देना, और पारंपरिक व्यवसाय, देखिए यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी, कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, नाई लोग कर सकते हैं, टोकरी बुनकर, लोहार, भड़ भूंजा जो बाहर भूंजते हैं, बढ़ई है, मोची है, सोनार है, हलवाई है, धोबी है, कुम्हार है, राजमिस्त्री है, मूर्तिकार और दर्जी। अगर आप देखिए सिलाई मशीन के लिए करना चाहते हैं तो सबसे लास्ट ऑप्शन मिलेगा टेलर का, तो इसी दर्जी को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास कोई हस्तशिल्प पहचान नंबर है तो दे सकते हैं, नहीं तो आपको इसे छोड़ देना है। ईमेल आईडी देना चाहते दे सकते हैं, नहीं तो इसे भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर दूसरा मोबाइल नंबर है आपके पास वैकल्पिक तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना पूरा स्थाई पता फिल कर देना है, डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी यहाँ पे है ही, तहसील सेलेक्ट कर लेना, ब्लॉक क्या लगता है वो सिलेक्ट कर लेना, और गांव का नाम क्या है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, और एरिया का पिन कोड क्या वो यहाँ से आपको फिल कर देना है। और यहाँ पे पूछ रहा है परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो देखिए आपको यहाँ पे हाँ कर देना है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है, जो आपका हाँ कर देते हैं तो ऊपर वाला एड्रेस आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूछा कि आप पारंपरिक व्यवसाय से संबंधित जाति से हैं, यानी कि जो आपका दर्जी का काम है पारंपरिक है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आ रहा है, तो आपको हाँ करना है। बात आपने खुद की है तो आप नहीं भी कर सकते, अगर आप पारंपरिक है तो हाँ कर देना है। प्रवासी मजदूर है यानी बाहर भी जाके आपने दर्जी का काम किया, अगर किया है तो आपको यहाँ पे हाँ कर देना है, नहीं तो आपको यहाँ पे ना कर देना है। इस टर्म को आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पे आगे बड़ी वाली बटन है इस पर टिक कर देना। अब देखिए यहाँ पे आपको बैंक की डिटेल देनी होगी, देखिए आपको यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट करना कि आप किस बैंक का अकाउंट देना चाहते हैं। IFSC कोड का आपको यहाँ पे फिल कर देना, डालेंगे वैसे ही शाखा का नाम यहाँ पे अपने आप आ जाए, केवल यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर फिल कर देना है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अन्य विवरण का, ये भी देखिए जरूरी है आपको इसकी डिटेल देना। अब यहाँ पे पूछा आपकी योग्यता कितनी, पढ़े लिखे कितने हैं या फिर कक्षा 8 तक पढ़े या फिर कक्षा 8 से अधिक हैं, तो देखिए अगर आप हाई स्कूल हैं या फिर 12 हैं आप तो यहाँ पे आपको इस बटन पर टिक कर देना, अगर हाई आप कक्षा 8 ही तक पढ़े तो आपको इस पर टिक कर देना मिलेंगे। इन पर देखिए आपको सिर्फ एक वाली पर ही टिक करना, वैसे ही यहाँ पे आपको। अब देखिए यहाँ पे पूछा कि आपके पास कोई तकनीकी योग्यता है, जैसे मान लो कौशल विकास से आपने कोई डिप्लोमा किया है, अगर किया है तो आपको पहले पर टिक करना, अन्यथा आपको कुछ नहीं आपके पास यहाँ पर नहीं वाली इस पर टिक कर देना है। वैसे यहाँ पे आपकी आयु पूछा जाएगा, यहाँ पर लिखा है आपकी एज 18 से 45 साल के बीच में है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले पर टिक कर देना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर पूछा परिवार की वार्षिक आयु क्या है, ग्रामीण एरिया से होंगे तो आपकी 2 लाख से कम ही होगी, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। देखिए आपको इन चीजों में गलती नहीं करनी है, क्या आप सामाजिक श्रेणी से आते हैं, जैसे मान लो SC ST OBC, तो देखिए आप आते हैं तो आपको इस पर टिक करना, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको इस पर, तो देखिए OBC से आते हैं तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। क्या जो अभ्यर्थी की जो विशिष्ट श्रेणी क्या है, जैसे दिव्यांग है या फिर आप तलाकशुदा हैं या आप विधवा हैं, तो दूसरे पर टिक करना, अगर इनमें से कोई नहीं तो आपको थर्ड वाली बटन पर यहाँ पर टिक कर देना है।
क्या विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना उत्पाद से संबंधित आपको जानकारी है कुछ? अगर जानकारी है तो बर्फपात में कार्यरत है, इस पे टिक करना, अन्यथा आपको यहाँ पे कोई जानकारी नहीं, आपको इस पे टिक कर देना। यहाँ पे आपको इस टर्म को एक्सेप्ट कर लेना, उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है पारंपरिक कार्य जुड़े होने का प्रमाण प्रति, यहाँ से क्लिक करें तो इसी पे टिक करना है। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने इस तरह का एक प्रमाण पत्र आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका नाम देखने को मिलेगा, फादर्स नेम क्या वो देखने को मिलेगा, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम और आप अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे नाम लिखेगा। अब देखिए करना क्या, आपको यहाँ से इसे प्रिंट, ग्रामीण एरिया से आते हैं, गांव से आते हैं तो आपको इसे प्रधान जी से अपने अटैच करवा लेना है और उनकी सील आपको यहाँ पे यानी मोहर लगवा लेनी है। अगर हल्का परिषद जो बाढ़ सदस्य होते हैं उन पे आपको अटैच करवा लेना है। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा दस्तावेज अपलोड करें, यहाँ पे देखिए बटन मिलेगी, आपको इसी पे टिक कर देना है। अब देखिए दस्तावेज में आपको सबसे पहले अपलोड किया, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना फोटोग्राफ लगाना है, वो देखिए यहाँ पे 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे अपनों हस्ताक्षर लगाने होंगे, देखिए अंगूठे का निशान या फिर हस्ताक्षर दोनों चल जाएगा। देखिए आयु प्रमाण पत्र में देखिए आप अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप बैंक की पासबुक आपको लगा देनी है जो आपने अकाउंट दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड लगा देना या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर निवास प्रमाण पत्र या फिर बिजली का बिल या फिर किराया नामा या फिर राशन कार्ड, इनमें से कोई एक चीज आपको अपलोड कर देना है। अगर आप SC और ST OBC से आते हैं तो देखिए यहाँ पे आप कास्ट सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, हालांकि ये देखिए वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, अगर है तो दे सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ भी देना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे पारंपरिक जिस जुड़े होने का प्रमाण, जो अभी आपने निकाला था अपने प्रधान जी से या फिर आपने नगर पालिका अध्यक्ष से अटैच करवा के, आपको वही यहाँ पे लगा देना है। तो देखिए हम यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, देखिए यहाँ पे सभी का ग्रीन लग चुका है। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट ऑप्शनल है इसलिए हमने इसे छोड़ दिया है। फोटो यहाँ पे देखने में मिलेगा, आप थोड़ा नीचे आना, यहाँ पे लगा फाइनल सबमिट, इसी पे टिक कर देना है। देखिए जो भी डिटेल आपने फिल की है वो यहाँ पे आपको सारी देखने को मिल जाएगी। अगर इसमें कोई गलती है तो यहाँ पे अभी संशोधन खुला हुआ है, आप इसे संशोधन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देते हैं उसके बाद आप किसी तरह कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ सारी डिटेल ठीक है तो हम यहाँ पे इसे फाइनल सबमिट कर दे रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे वैसे यहाँ पे आपको आधार नंबर मांगा जाएगा, तो देखिए आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो देखिए मैंने आधार नंबर डाल के जैसे ही वेरीफाई किया वैसे ही देखिए हमारा डिटेल है वेरीफाई हो गई। देखिए अगर आपके नाम में आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर किसी तरह की कोई गलती हो जाती है तो देखिए आधार नंबर डाल के जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो आपका वेरीफाई नहीं होगा, इसलिए जो डिटेल फिल की वो सारे आप उसके बेस ही फिल करें तभी आप वेरीफाई कर सकते हैं, अन्यथा आपका वेरीफाई नहीं होगा। और यहाँ से प्रिंट कर लेना है, यहाँ पर बटन मिल जाएगी आपको, और इस फाइल को अपने पास सेव करके रख लेना है। जैसे ही देखिए आपका अप्रूव हो जाएगा वैसे ही आपको जो यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर दिया था इस पे आपका कॉल आएगी और आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बुलाया जाएगा, वहाँ पे आपको ये प्रिंट लेके जाना होगा जो आपने प्रमाण प्रधान या फिर आपने नगर पालिका अध्यक्ष से अटैच करवाया, वो आधार कार्ड की फोटो कॉपी, बैंक की पासबुक और आपको एक फोटो लेके जो खादी एवं ग्राम उद्योग की ऑफिस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनी वहाँ पर लेके जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी, 7 दिन की आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको टूल किट दी जाएगी। तो इस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप या कंप्यूटर से। वीडियो में जानकारी पसंद आई वीडियो को लाइक।